महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी च्या सूचनेवरून आणि आमचे नेते आदरणीय माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज बाबा चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनानुसार अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या सचिव आदरणीय सोनलबेन पटेल मॅडम यांनी सकाळपासून सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या तीन जिल्ह्याच्या काँग्रेस जिल्ह्यातील काँग्रेस कमिटींचा कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांबरोबर आढावा घेतला आणि ज्या काही संघटनात्मक वाढीसाठी ज्या काही सूचना आहेत त्या त्यांनी दिल्या. AICCच्या काँग्रेस कमिटीकडून आलेल्या काही सूचना मार्गदर्शक तत्वे तसेच MPCCची काही सूचना त्या आदरणीय मॅडमने सर्व तिन्ही जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना संबोधित केल्या. आपण ह्या पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहिला त्या सर्वांचं आपण स्वागत करून आदरणीय मॅडमना विनंती करतो. या पत्रकार परिषदेसाठी आमच्या जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुरेशराव जाधव, जिल्हा प्रभारी आमचे श्रीरंगनाथ चव्हाण पाटील, तसेच आमचे कोरेगावचे नेते आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सचिव आदरणीय राजेंद्र अप्पा शेला, तसेच वॉर रूमचे महाराष्ट्र प्रदेश वॉर रूमचे प्रमुख कुमार शहा यांचं सर्वांचं हे या बैठकीला पत्रकार परिषदेला उपस्थित आहे. त्यांच्या वतीनं सर्वांचं आपल्या पत्रकारांचं स्वागत करतो आणि मॅडमना विनंती करतो की आपण पत्रकारांना संबोधित करावं. थँक्यू. सातारा जिल्हा के प्रेसिडेंट जाधव जी, यहाँ के प्रभारी श्रीराम चव्हाण जी, राजेंद्र शेलार जी, कुमार शाह जी, नरेश देसाई जी और आप यहाँ पे जो प्रस्तुत हुए हैं मीडिया के मित्र, आज हमने जैसे बताया ऐसे सातारा में तीन जिला का मीटिंग लिया है और उसमें सातारा, सांगली और कोल्हापुर. कल पुणे में हम दूसरे तीन जिले का मीटिंग लेने वाले हैं. इस तरह से वेस्टर्न महाराष्ट्र के सारे जिले की मीटिंग हो जाएगी कम्प्लीट. बेसिकली अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो MPCC ने ऑब्जर्वर्स बनाए हैं विधानसभा वाइज, तो उन ऑब्जर्वर्स की मीटिंग ली है. उन लोगों को कैसे काम करना है इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के दरमियान, वो गाइडलाइन AICC ने तय किया है, तो वो उसकी चर्चा करने के लिए मीटिंग दी गई थी. इसके अलावा AICC ने इस बार ऑल इंडिया लेवल से और स्टेट लेवल पे वॉर रूम का भी स्थापना किया है. तो मुंबई में MRCC मुंबई का अलग है और PCC का अलग है, तो वो वॉर रूम किस तरह से काम करेगा, कार्यकर्ताओं के साथ कैसे जुड़ेगा, उसका वॉर रूम की जगह कनेक्ट रूम का नाम दिया है, और किस तरह से हम लोग बूथ में जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ कैसे पहुँचेंगे वॉर रूम के माध्यम से, ये सब बातों का भी चर्चा हुआ. जहाँ जहाँ पे भी अभी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन कमी है, बाकी है, उसको हम लोग 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे. और इलेक्शन का जो अभी माहौल शुरू हो गया है तो प्रचार के लिए लोगों के साथ डायरेक्ट बातचीत करने के लिए ये जो हमारा संगठन है वो मैदान में उतरेगा और बहुत अच्छे से हमारा वेस्टर्न महाराष्ट्र में रिजल्ट आएगा. महाविकास आघाड़ी की जो सरकार चली थी इसमें अभी फिर से हम तीनों पार्टी साथ में लड़ने वाले हैं और तीनों पार्टी अभी आपने जैसे देखा होगा पवार साहब ने पुणे में मीटिंग लिया था और बहुत अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई. इसी तरह से सारी पार्टी कोल्हापुर में भी इसी तरह से संवाद शुरू हो गया है, सांगली में शुरू हो गया है. तो महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टी मिलके ग्राउंड लेवल पे सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ के काम करेंगे और हमारे जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको विजयी बनाएंगे. सीट शेयरिंग के बारे में क्या कहेंगी, क्योंकि आज जो आपकी बैठक हुई है कोल्हापुर की सीट हो या सांगली की सीट हो, ऐसा हमको ध्यान में आया है कि कोल्हापुर की जो सीट है वो कांग्रेस को मिल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ कोल्हापुर और सांगली की बात नहीं है, हर जगह पे अलग अलग महाराष्ट्र हो या मुंबई, कार्यकर्ताओं का और वहाँ स्थानिक नेताओं का हमेशा जोर रहता है कि ये सीट हमारी अच्छी ज़्यादा है, उसको देना चाहिए. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे महाविकास आघाड़ी के जो लीडर्स है वो लोग जो बैठ के तय करेंगे, जिसके हिस्से में जो सीट आएगी हमारा उसी पर फोकस रहेगा. यहाँ हमारी जो मीटिंग है वहाँ ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता, ब्लॉक प्रेसिडेंट, ऑब्जर्वर सब आए थे और इनका एक ही उद्देश्य है कि कोई भी कैंडिडेट आए उसके लिए हमें काम करने के लिए कैसे सुसज्ज होना है, उसके बारे में मीटिंग थी. थोड़े समय में वहाँ पे दिल्ली में और महाराष्ट्र लेवल पे दिल्ली में फाइनल हो के जो भी सीट आएगी
हमारे लिए कोल्हापुर की भी सीट अच्छी है, सांगली की भी सीट अच्छी है, सातारा में भी बहुत अच्छा वातावरण है। तो इस बार जो है कांग्रेस के लिए बहुत सानुकूल, पूना में भी बहुत सानुकूल वातावरण है, सोलापुर है, वहाँ पे हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ कांग्रेस का समर्थकों में ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता है। पश्चिम महाराष्ट्र की सीट है, वैसा हम लोगों को अभी कह नहीं सकते जब तक फाइनल नहीं होता है, लेकिन पूना में हमारा दावा है, सोलापुर हम लड़ते हैं, इसके बाद सांगली हमारा ही कैंडिडेट लास्ट टाइम हमारे चिन्ह पे नहीं लड़ सका था तो सांगली है। कोल्हापुर में भी अभी चर्चा हुई थी कि दो सीट है उसमें से हमारा इतने सारे MLAs हैं, MLC है, सारे प्रतिनिधि है तो वहाँ पे भी सीट मिलनी चाहिए। ऐसे हर एक जिला में एक 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 सीट के लिए तो सब जगह से हमारी है मांग। अशोक जी चौहान के बारे में नगर से बहुत सारे जो वाके नगर सेवक है तकरीबन 50,000 नगर सेवक बीजेपी में जाने आगे भी कुछ खबरें आई है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ पदाधिकारी भी ये इस्तीफा देने के मूड में है। देखिए ये सारी जो बातें हैं वो बीजेपी के द्वारा बहुत ज़्यादा चलाई जा रही है। जब अशोक चौहान जी ने रिज़ाइन किया था तब उस समय भी आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारे लीडर्स के नाम आते थे, ये जाएगा वो जाएगा, कोई भी बाकी नहीं था, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। तो ये एक तरह से उनका प्रचार का काम है, हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। और जो बीजेपी में गया है कांग्रेस से वहाँ उसका क्या हाल होता है वो सबको मालूम है, वहाँ थोड़े समय के लिए उनको अवकाश मिलता है, बाकी उनके यही हैं, इतनी मारामारी है, उन लोगों की भी स्थिति क्या है, भाजप है साथ में, शिवसेना है साथ में, अजित पवार के NCP है, तो वहाँ पे भी कौन सी बहुत अच्छी परिस्थिति है कि जो नए लोग जाएंगे उनको अपनी जगह मिलेगी, वो तो कोई कंपल्शन से जाता है, बाकी सबको मालूम है कि वहाँ पे परिस्थिति क्या है। देखिए ये कोई एक महाराष्ट्र की बात नहीं है, मैं गुजरात से आती हूँ, गुजरात में हमारा जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ और हम बहुत अच्छी सीट जीत के आए तब से उन्होंने जो इलेक्टेड मेंबर्स को ले जाने का जो सिलसिला है वो आज किसी भी राज्य में ये उनका आखिरी एक तरह से प्रयास है, उनको लगता है कि अब हमारा ये करेंगे या मरेंगे जैसा है, और इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितने विचलित हैं, उनके पास और कोई बात ही नहीं है, किस तरह से पार्टी को तोड़ो, किस तरह से इलेक्टेड लोग जो इलेक्टेड जिस सीट से लड़े जिस पार्टी से लड़े हैं उनको फोड़ो, इसके अलावा आज पूरे देश में इनके पास कुछ काम रहा ही नहीं है, तो ये तो इनका एक लास्ट जो कह सकते हैं कि इनका हथियार है वो आजमा रहे हैं, दे आर वेरी डेस्परेट। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो कांग्रेस के लोग जो बीजेपी में जा रहे हैं कुछ कांग्रेस को कुछ मतलब ऐसा क्या रणनीति होनी चाहिए कि भाई आगे जाके बाकी के MLA हो सांसद हो वो ना जाता कुछ तो आपका प्लान रहा होगा ना। इसमें आप अगर ऐसा कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के कोई प्लान की वजह से या प्लानिंग नहीं होने की वजह से लोग जाते हैं, तो आपको मालूम है कि ये जो जाने वाले हैं उनको किसी ना किसी तरह से दबाव में लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई अपनी मर्जी से कोई जाता नहीं है, तो उसमें अभी जो दबाव की और इस तरह से प्रेशर की राजनीति है उसके बारे में आप क्या करेंगे, ये तो लोकशाही का खुलम खुला हनन है और उसको तो अभी इनको इस तरह से ही काम करना है, इसी तरह से इलेक्शन लड़ना है और इसी तरह से देश को चलाना है, तो इसमें क्या करें, उसका तो जवाब लोगों को देना पड़ेगा वोट करके बराबर से उनको आउट करके। आने वाले इलेक्शन में देखो ये इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन है, इसीलिए जो मुद्दे हैं खासकर जो बेरोजगारी है, युवाओं को जो नई नौकरियां मिल रही है, महंगाई है, ये सारे जो मुद्दे और विकास की बात करके इतना सारा जो कर्ज बढ़ा है और लोगों के ऊपर महंगाई रोज न रोज किसी न किसी तरह से किसी न किसी रूप में आगे आती है, और इसका लोगों को और खास करके जो अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कि लोकशाही का बिल्कुल हनन करने की बात है, तो ये सारे मुद्दे लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और हमें आशा है कि उसका लोग समय पर बराबर जवाब देंगे।